हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगेन फिर मैं आपको दूसरा वीडियो यहाँ का दिखा रही हूँ, प्रिया नर्सरी। इसका एड्रेस मैं आपको लिंक में दे दूँगी। ये पुराना किला रोड पर है, जो हमारा दिल्ली में पटियाला हाउस है उसके पास में है। और ये नर्सरी आपको बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स मिलेंगे। और इन प्लांट्स की सबसे अच्छी खासियत जो है, यहाँ की मिट्टी में ये तैयार किए हुए हैं। फ्रूटिंग की और फ्लावरिंग की गारंटी होती है। और ये काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं नर्सरीज़ में मिलते नहीं हैं, वो यहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये ड्रॉप वैरायटी का मधुमालती है। प्राइजेज आपको यहाँ आकर पता करने पड़ेंगे। हो सकता है आपको और नर्सरी से यहाँ के प्राइजेस थोड़े हाई लगे हैं, बट क्वालिटी वाइज अगर आप क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं और आपका प्राइस का टेंशन नहीं है, तो आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। छोटे छोटे से ही प्लांट्स पर काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग होती है। ये पूरा सेक्शन मैं दिखा देती हूँ आपको अलग अलग। ये सारा लेंटाना का है। इधर देखिए, ये पूरा का पूरा जो है बोगनविलिया है। और आपको पता है बोगनविलिया इतना हार्डी प्लांट है कि बहुत तेज़ जब गर्मियाँ होती हैं तो ये बहुत अच्छे से चलता है। इधर बॉलिवियन जू, मोगरा, एक्जोरा, टिकोमा, अलमंडा टिकोमा, ये सारी वैरायटीज़ हैं यहाँ पर। और बहुत अच्छे प्लांट हैं, मतलब एकदम स्वस्थ प्लांट जिनको मैं कहूँगी। इधर गुड़हल है, काफ़ी सारे प्लांट्स के देखिए मैं नाम नहीं जानती हूँ, मैं भैया को बुला के पूछती हूँ अभी। ये इधर कचनार, ये टिकोमा है। और जितने भी आप वैरायटी के प्लांट्स लगाने चाहते हैं और हार्डी हों, वो यहाँ पर आपको सजेशन सही, मतलब सही राय दे देंगे कि आपके घर पर जिस तरीके से धूप आती है उसके हिसाब से आप यहाँ से प्लांट्स ले सकते हैं। अच्छी क्वालिटी है, अच्छी हेल्थ है पौधों की। और प्राइस अगेन फिर से बोलना चाहूँगी कि आपको यहाँ पर आकर चेक करने पड़ेंगे। काफ़ी सारे जो वैरायटीज़ हैं यहाँ पर, बाहर की वैरायटीज़ भी आपको मिल जाएंगी। अगर आप एग्लोनियम की जो वैरायटीज़ हैं, देखिए आप देख पा रहे होंगे सारी। इधर सिंगोनियम है हर वैरायटी का। अब देखिए, इन्होंने जितने भी छांव वाले प्लांट हैं उनके लिए यहाँ पर नेट का लगाया हुआ है, क्योंकि आपको पता है इस तरीके की जो क्वालिटी, जो वैरायटीज़ होती हैं, ये हमारे देश की नहीं हैं और इनको मेनटेन करने के लिए काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप, मैं तो वही सजेस्ट करूंगी कि हार्डी प्लांट लगाइए, बट अगर आप वैरायटी के शौकीन हैं तो इस नर्सरी को एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा। ये देखिए मॉन्स्टेरा की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। इधर पूरा सेक्शन जो है एरिका पाम का है, ट्रेसिना का है। और एकदम आपको बड़े बड़े पौधे भी मिल जाएंगे कि आपको मेहनत नहीं करनी है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं एकदम डायरेक्ट तैयार। एलिफेंट ईयर, सफलेरा की दोनों वैरायटीज़ हैं। इधर क्रोटोन है जी। और आपको तैयार इस तरीके से बास्केट्स में भी मिल जाएंगे कि अगर आपको यहाँ की सॉइल में लगे हुए चाहिए तो आपको यहाँ से एकदम रेडी फॉर्म में मिल जाएंगे। इधर ये एग्लोनिमा का ही सेक्शन है। ये नॉर्मल जो वैरायटीज़ हैं वो हैं, उधर हाइब्रिड हैं। ये मार्बल क्वीन पोथोस, इधर डेविल बर्कबोन, मतलब प्लांट्स अच्छे हैं। आप अगर एक बार विज़िट करेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैरायटी मिलेगी, अच्छी क्वालिटी मिलेगी। प्राइजेज फिर से आप आके देख लीजिएगा, प्राइजेज जैसे भी आपको लगें। मैं यहाँ से अब मेडिसिनल प्लांट लूँगी, इसलिए मैंने ये वीडियो सोचा आपके लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था कि प्रिया नर्सरी का मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँ, तो मैंने आपको कर दिया है। काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ हैं। ये इधर देखिए बॉन्साई, जो काफ़ी सालों पुरानी है, बनाई हुई है और काफ़ी, ये देखिए ये पूरा सेक्शन जो है विंका का है, हाइब्रिड विंका। ये ड्रॉप वैरायटी लंटाना। और इधर पुर्चुलिका, सारे कलर्स, ऑलमोस्ट सारे कलर्स हैं यहाँ पर। इधर देखिए ये ड्रॉप वैरायटी का चंपा है,
जो कि सभी पर फ्लावरिंग आई हुई है, और देखिए कितने बड़े बड़े बैग्स में लगा हुआ है। तो बस आपको अच्छे प्लांट्स लगाने हैं तो उनका थोड़ा पॉट साइज़ देख लीजिएगा कि किस तरीके से आप लगाएं। और यहाँ पर आपको पॉट्स भी मिल जाएंगे, अगर पॉट्स भी आप यहाँ से परचेस करना चाहें तो आपको डेफिनेटली यहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि सभी तरीके के पॉट्स हैं, प्लास्टिक भी हैं, सेरेमिक भी हैं, आप जैसा चाहें वैसा यहाँ से परचेस कर सकते हैं। और खाद वगैरह का भी बहुत अच्छा कलेक्शन है, तो एक ही जगह पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती हैं। इधर देखिए ये कोचिया लगा हुआ है, इधर ड्रॉप वैरायटी के एक्सोरा है, एक्सोरा की क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। मेरे पास एक्सोरा जो भी हैं यहीं से लिए हुए हैं मैंने, और छोटे से पे ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है, तो आप ट्राई कर लीजिएगा यहाँ पर आकर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन्स हैं जो जनरली लोगों को पता नहीं होती हैं और लोग बाग ऑनलाइन ख़रीदते हैं। तो मैं यही आपको बोलूँगी कि लोकल नर्सरीज़ में विज़िट करिए, बार्गेनिंग करिए, और उसके बाद में फिर आप अपने परचेज़ करिए कि आपको क्या चीज़ चाहिए। ये देखिए कचनार का वाइट वाला वेराइटी है, इधर अगेन एक्सोरा है, काफ़ी सारी वेराइटी, मतलब मुझे तो नाम भी नहीं पता इतनी तरीके की वेराइटी के यहाँ पर प्लांट्स हैं। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर आकर, अगर आपको प्राइस का कोई इशू नहीं है तो। इधर देखिए आपको पूरा का पूरा सेक्शन कैक्टस का, कैक्टस और सकुलेंट। गर्मी है तो गर्मी में थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं आपको पता है सकुलेंट, लेकिन आपको अगर इनका भी शौक है तो आप ले सकते हैं। क्रिसेंथेमम की सैपलिंग्स भी यहाँ पर मिल रही हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, छोटी छोटी सी, काफ़ी सारी वैरायटी में। और ये है यूफोरबिया मिली ड्रॉप वैरायटी में, देखिए छोटे छोटे से ही प्लांट्स पर कितने खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही है। एंड अडेनियम भी है, तो आप अगर चाहें तो एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा इस नर्सरी में। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये नर्सरी विज़िट पसंद आया हो, तो डेफ़िनेटली अगर आप पौधों के शौकीन हैं तो यहाँ पर एक बार विज़िट कर सकते हैं। और प्लांट्स एंड पॉट्स एंड खाद भी यहाँ पर काफ़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है, जो कि ऑर्गेनिक अगर आप डिमांड करेंगे तो ऑर्गेनिक आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल पर बने रहिएगा, इसी तरीके की कोई और इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।